रही है उससे भी अपने दर्शकों को रूबरू करवाते थे। बड़ी खबर ये लखनऊ से कि LIU ने शासन को रिपोर्ट भेज दी है और जुमे की नमाज से बाद अब हिंसा ना भड़क जाए, इसको लेकर भी आशंका व्यक्त की गई है। कैसी तैयारियां उसको लेकर भी रिपोर्ट सौंपी गई है। बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि LIU ने शासन को रिपोर्ट भेज दी है, जुमे को लेकर LIU ने शासन को रिपोर्ट भेजी और LIU ने कई जिलों में प्रदर्शन की आशंका भी व्यक्त की है। शुक्रवार का दिन फिर से चुनौतीपूर्ण हो सकता है, यह भी इस रिपोर्ट में कहा गया है। यानी कि पिछली बार जब फ्राइडे के दिन जुमे की नमाज के बाद हिंसा बढ़ गई थी, इस प्रकार की ऐसी स्थिति ना हो सके इसको लेकर भी आशंका व्यक्त की गई है कि हो सकता है कई जिलों में हिंसा भड़के। शुभम लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शुभम, जुमे की नमाज के बाद हो सकता है दोबारा से हिंसा भड़के, LIU ने ये शासन को रिपोर्ट भेजी है, क्या कुछ जानकारी? देखिए, दो जुमे से लगातार उत्तर प्रदेश में कई जिलों में ऐसी घटनाएं, हिंसा, उपद्रव के तमाम सामने आ रही है। तो ऐसे में इस उपद्रव, इस बार के जुमे को लेकर के उत्तर प्रदेश की सरकार, पुलिस और तंत्र पूरी तरह से तैयारी कर रहा है, जिसमें LIU की तहत LIU ने अपनी जांच में साफ तौर पर कुछ जगहों को लेकर के ये अंदेशा जताया है कि एक बार फिर जुम्मे को इन जगहों पर उपद्रव या हिंसा की घटनाएं हो सकती हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश की सरकार इसको लेकर के पूरी तरह से रणनीति बना चुकी है, उत्तर प्रदेश की पुलिस इसको लेकर के अपनी रणनीति बना चुकी है। अब चुनौतीपूर्ण इसलिए सबसे ज्यादा है क्योंकि पिछली बार भी तमाम तरह के दावे उत्तर प्रदेश की सरकार और यूपी पुलिस की तरफ से किए गए थे, लेकिन उसके बाद भी कई जगहों पर हिंसा, उपद्रव की तमाम घटनाएं सामने आई। ऐसे में LIU की तरफ से साफ तौर पर आगाह कर दिया गया। अब देखना यह होगा कि यूपी पुलिस और इंटेलिजेंस इस पूरे मामले पर कितना वर्कआउट कर पाती है या फिर ये तमाम दावे सिर्फ एक दावे की तरह रहेंगे। जी,